हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। एक और टेक्निक लेके आया हूँ, शेड्यूलिंग की टेक्निक, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जिसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम लोग एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे। कई सारे आपको यहाँ पे चीजें ब्लैंक दिखाई दे रही है जिनको मैं फिल करने वाला हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भाई इस एल्गोरिथम का, इस शेड्यूलिंग टेक्निक का जो नेचर है वो प्रीएम्प्टिव है। तो प्रीएम्प्टिव नेचर को समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक एक चीज करके दिखानी पड़ेगी ताकि वो बढ़िया तरीके से आप तक पहुंचे, आपके दिमाग में वो समझ आए कि किस तरीके से प्रीएम्प्शन काम करता है व्हेन वी आर कंसीडरिंग द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्राइटेरिया को हम लोग कंसिडर करें फॉर शेड्यूलिंग पर्पस। ओके, तो इसमें सिर्फ दो क्राइटेरिया है जो कि हमने FCFS में यूज किया था, दैट इज द अराइवल टाइम, और एक नया एलिमेंट इसमें जुड़ गया है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम टाइम या टाइम क्वांटम आप कह सकते हो। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन। तो राउंड रॉबिन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर अराइवल टाइम एंड टाइम क्वांटम। तो यहाँ पे इस शेड्यूलिंग टेक्निक में हम लोग दो चीजों को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं कि भैया प्रोसेस कब आया, उसका अराइवल टाइम क्या था, एंड प्लस टाइम क्वांटम क्या होता है। अभी टाइम क्वांटम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यू क्यू इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम क्वांटम, इट इज गिवन एज अ टू यूनिट्स। इसका मतलब क्या कि जो मैं प्रीएम्प्शन की बात करता हूँ ये प्रीएम्प्टिव नेचर का है। तो प्रीएम्प्टिव नेचर मतलब क्या कि मान लो अगर आपका P1 ये प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में उसको स्टॉप कर दिया, फोर्सिबली स्टॉप किया। ओके, उसको फोर्सिबली स्टॉप किया मतलब उसको प्रीएम्प्ट किया और दूसरे प्रोसेस P2 को लिया, उसकी जगह पे एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रीएम्प्शन। तो अभी उसे फोर्सिबली कितने टाइम के बाद स्टॉप करना है P1 को, दिस इज गिवन बाय टाइम क्वांटम। उसको फोर्सिबली कितने टाइम के बाद आपको स्टॉप करना है, प्रीएम्प्ट करना है, दैट इज गिवन बाय टाइम क्वांटम। तो अगर मैं दो यूनिट कहता हूं, दो यूनिट मतलब क्या कि अगर मेरे प्रोसेस P1 ने शुरू किया और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो दो यूनिट तक कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही दो यूनिट तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है उसको हम लोग प्रीएम्प्ट कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और दूसरे प्रोसेस को लेते हैं और उसको भी दो यूनिट तक एग्जीक्यूट करते हैं। बाद में उसको भी हटा देते हैं, एक और प्रोसेस को लेते हैं, उसको भी दो यूनिट तक एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बाद में ऐसे ही वो चलता रहता है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टाइम क्वांटम। और यहाँ पे दोस्तों वही जो मैंने बताया आपको कि राउंड रॉबिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अराइवल टाइम प्लस द क्वांटम टाइम, ये दोनों को हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, समान इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो एग्जांपल वही, ये प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ इसमें जो शेड्यूलिंग टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है। दोस्तों ये एग्जांपल आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा, ठीक है, जो कि पिछले दो वीडियोस में भी मैंने ये आपको दिखाया है एग्जांपल, इसी के ऊपर हम लोग कब से काम कर रहे हैं। तो अभी इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या क्या हम लोग कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप किसी को एग्जीक्यूट करोगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक में, आप जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करोगे उसके लिए आपको दो स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको पता है दैट इज अ गैंट चार्ट, उसकी तो आपको जरूरत पड़नी वाली है, और दूसरा एक डेटा स्ट्रक्चर है विच इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, विच इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपके प्रोसेसेस को यहां पे स्टोर करता है, जो कि आपके जो प्रोसेसेस हैं उसको यहां पे स्टोर करता है। अब ये किस तरीके से स्टोर करता है, किस तरीके से काम आता है, वो अभी हम लोग एग्जीक्यूशन में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भी स्टार्टिंग विद दिस, मैं हूं अराइवल टाइम पे जीरो पे, अब मुझे एग्जीक्यूशन करना है शुरू, लेकिन जीरो पे सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस नंबर 1 अवेलेबल है, बाकी के प्रोसेस जो है वो जीरो के बाद आने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, इस प्रोसेस को अंडर कंसिडरेशन लेना है फॉर एग्जीक्यूशन। तो मैंने क्या किया, P1 को लिया फॉर एग्जीक्यूशन और उसको मैंने कितने देर तक एग्जीक्यूट किया, सिर्फ 2 यूनिट्स तक। क्यों 2 यूनिट्स तक, भले ही उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 का है, लेकिन मैं पूरा 3 एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 तक एग्जीक्यूट करूंगा। अगर आपको इसको आसान शब्द में समझना है ना, तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना, आपको कितने देर तक किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो यहां पे दिया हुआ है। मिनिमम ऑफ द बर्स्ट टाइम कॉमा टाइम क्वांटम, मिनिमम ऑफ द बर्स्ट टाइम कॉमा टाइम क्वांटम, मतलब फॉर दिस रिस्पेक्टिव प्रोसेस P1 अगर मैं मिनिमम चुनता हूं, तो मिनिमम क्या है, बर्स्ट टाइम इज 3 एंड टाइम क्वांटम इज 2, तो अभी इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो आपने 2 चुनना है और उसको यहां पे रखना है और 2 यूनिट तक आपको प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूशन के लिए लेते हो, तो आपका जो ये प्रोसेस क्यू है, जिसे मैंने बोला प्रोसेस क्यू, उसमें P1 आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें P1 सिंपली मेरा आ जाता है। ओके, नाउ P1 मेरा इस क्यू में बैठ चुका है। अभी ये 0 से 2 तक क्या हुआ, रिमेंबर 0 से 2 तक एग्जीक्यूट हुआ, और जब तक ये 2 पे मेरा जब प्रीएम्प्ट होगा, तो अभी सिर्फ हमें चेक करना है कि भैया 2 तक कितनी प्रोसेस अराइव हो चुकी है। तो अगर आप देखोगे 2 तक मेरी प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 3 अराइव हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस नंबर 2 को भी और प्रोसेस नंबर 3 को भी आपको इस क्यू में डाल देना है, क्योंकि वो अभी एट द एंड ऑफ दिस अराइव हो चुके हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मेरा P1 का कुछ पार्ट का एग्जीक्यूशन हुआ है, कितने पार्ट का एग्जीक्यूशन हुआ है, 2 यूनिट का, एक्चुअल में रिक्वायर्ड कितना था, 3,
तो तीन में से दो गए बचे एक, तो अभी सिर्फ इसका एक यूनिट का एग्जीक्यूशन बचा है जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एक और चीज आपको करना है कि बिफोर टेकिंग एनी अदर प्रोसेस इनटू कंसीडरेशन फॉर एग्जीक्यूशन, जो आपने पहले प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए ली थी, आपको क्या करना है, उसे उस क्यू में से निकाल देना है और उसको आगे रख देना है, उसे उस क्यू में से निकाल के आगे रख देना है। मतलब क्या, सिंपली मैंने प्रोसेस नंबर वन को एग्जीक्यूट किया फॉर टू यूनिट ऑफ टाइम, तो और उसके बाद इसके एंड में, इसके एग्जीक्यूशन के एंड में टाइम में जितनी प्रोसेस थी उसको भी मैंने क्यू में डाल दिया, दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि ये सब कुछ होने के बाद इस P1 को इसमें से निकाल देना है, इस P1 को निकाल देना है और P1 को आगे जाके रख देना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, अभी मेरा अभी एग्जीक्यूशन कौन होगा, P2 होगा, बिकॉज क्यू में हम लोग कैसे जाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर ना, फर्स्ट इन जो सबसे पहले है उसको हम लोग सबसे पहले ट्रीट करेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग सर्व करेंगे। तो अभी P1 का एग्जीक्यूशन हो गया, उसको हमने उठा के लास्ट में डाल दिया है, जब उसकी बारी हुई तब उसको देख लेंगे। ओके, जितना अब ये P1 को इधर क्यों डाला है मैंने, P1 को इसीलिए मैंने प्रोसेस क्यू में डाला है क्योंकि अभी भी उसका 1 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन बचा है। अगर उसका 0 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन बचा होता तो मैं उसको प्रोसेस क्यू में डालता भी नहीं। ठीक है, तो अभी P1 एग्जीक्यूट हो गया, दिख रहा है आपको। अब उसके बाद आती है P2 की बारी, तो हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। तो P1 हो गया, अब मैं P2 को देखता हूं। ठीक है, अब P2 कितने देर तक एग्जीक्यूट होगा, 2 यूनिट तक। तो मैं यहां पे P2 को लेता हूं, आई विल टेक P2 और उसको मैं कब तक एग्जीक्यूट करूंगा, 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करूंगा। 2 यूनिट मतलब 2+2 इज नथिंग बट द यहां पे 4 आएगा, यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट किया, क्यों, बिकॉज 2 का जो बर्स्ट टाइम था वो था 4 और जो क्वांटम था वो था 2, तो मिनिमम ऑफ 4,2 इज 2, तो मैंने उसको 2 तक एग्जीक्यूट किया। तो अभी इसका कितना हो गया भैया, इसका काम कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो 4 में से 2 यूनिट एग्जीक्यूट हो गए, बचे 2। ठीक है, अब 4 तक, रिमेंबर अभी एक प्रोसेस और बची है आपकी, एक प्रोसेस और बची है कि 4th यूनिट ऑफ टाइम तक आपकी कितनी प्रोसेसेस अराइव हुए वो देखनी है। तो सिर्फ एक प्रोसेस बची थी जो कि 3 पे अराइव हो चुकी है, ओके, और उसे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्रोसेस क्यू में डाल देंगे, प्रोसेस क्यू में डाल देंगे, समझ में, उसको मैंने डाल दी। एंड ये करने के बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मैंने P2 को यहां से निकाल देना है और आगे बढ़ना है और P3 के ऊपर फोकस करना है। तो मैं P3 को लूंगा अभी। अब मैं जब मैं P3 को लेता हूं यहां से, When I'm considering P3, उसको मैं कितने यूनिट तक एग्जीक्यूट करूंगा, 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैंने इसको 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट किया, that is equal to 6. 6 तक एग्जीक्यूट किया। अभी गौर करने वाली बात यह है कि इसका एग्जीक्यूशन भी 2 यूनिट का है और क्वांटम भी 2 यूनिट का है, मतलब इसका अभी रिमेनिंग टाइम आता है 0। तो जब भी वो 0 आता है तो आप वापस से P3 को प्रोसेस क्यू में नहीं डालोगे, जो कि अभी आप देखने वाले हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, P3 को यहां पे उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो वापस से मैं इस P3 को कट करके P3 को यहां नहीं डालूंगा, जैसे मैं करते आया हूं, जैसे P1 था तो P1 को मैंने क्या किया, कट करके यहां पे डाला था। ओके, फिर उसका P2 था तो P2 को भी मैं यहां पे डालना भूल गया, लेकिन एक्चुअली P2 यहां पे आना चाहिए। P2 को कट किया, सो P1 को कट करके इसको मैंने यहां डाला, P2 को कट करके मैंने यहां डाला, क्यों, बिकॉज भाई उनका एग्जीक्यूशन अभी बचा हुआ है, किसी का 1 यूनिट है, किसी का 2 यूनिट है, लेकिन P3 का अगर आप देखोगे तो 0 यूनिट इज रिमेनिंग, इसका मतलब उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है। उसको वापस से P3 को कट करने के बाद यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ वही प्रोसेस एग्जिस्ट करेंगे जिनका कुछ ना कुछ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन बर्स्ट टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो P3 हो गया भैया, अब मैं क्या करूंगा, P3 हो गया, अब मैं P1 के ऊपर वापस आऊंगा, तो मैं P1 के ऊपर वापस आऊंगा। अभी अब आती बहुत इंपॉर्टेंट बात, P1 हो गया, अब P1 के ऊपर आया तो मुझे पता करना है P1 का कितना बर्स्ट टाइम बचा है, 1 यूनिट खाली बचा है, खाली 1 यूनिट बचा है। तो सिंपल वो क्या हो गया फंडा, मिनिमम ऑफ बर्स्ट टाइम कितना बचा है 1 और फिर टाइम क्वांटम कितना है 2, अब इन दोनों में से कौन मिनिमम है, ऑब्वियसली 1 है, तो मैं सिर्फ उसको 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट करूंगा और मेरा P1 का भी एग्जीक्यूशन 0 पे आ गया है, इसका मतलब P1 भी मेरा खत्म हो गया, सिंपल सी बात है, P1 मेरा खत्म हो गया। तो मैं इसको यहां से कट करूंगा लेकिन डालूंगा नहीं, यहां पे वापस उसको मैं एट द एंड ऑफ क्यू नहीं डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा, व्हाई आई विल नॉट पुट दिस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द क्यू, व्हाई, बिकॉज इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, तो मैं इसको P1 को यहां से काट दिया मैंने। ठीक है, सो डन विद दिस, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब P1 के बाद आता है P4, ओके, तो P4 में क्या है भैया, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 है, वापस से भाई फंडा, मिनिमम ऑफ 1,2 इट इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूंगा, P4 को इनटू कंसीडरेशन लूंगा और उसको मैं 8 तक कंप्लीट करूंगा, दैट्स इट, डन। तो इसका भी 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल सी बात है, और फिर यहां पे मैं इसको कट कर दूंगा, बराबर। तो P4 का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया, सिंपल है, P4 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मैं इसको वापस से क्यू में डालूंगा, एंड ऑफ द क्यू नहीं डालूंगा क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन 0 तक आ गया, बर्स्ट टाइम 0 आ गया। ठीक है, अब यहां तक हो गया, उसके बाद सिर्फ एक एलिमेंट बचता है जो है P2, जो सिर्फ है P2। अब P2 का कितना बचा है भैया, 2 यूनिट बचा है, तो इट्स अ मिनिमम ऑफ 2,2, ऑब्वियसली 2, तो मैं इसको क्या करूंगा, P5 को यहां पे रखूंगा, नहीं P5 नहीं, इट्स अ P2,
P2 को यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे मैं 10 पे उसको एंड कर दूंगा। सिंपल सी बात है। तो P2 यहाँ पे हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो मैं क्या इसको कट करके वापस डालूंगा क्या? नहीं, P2 मेरा कट हो गया, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन अभी 2 से 0, दैट इज 0 बस टाइम अभी उसका बचा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा जो कैलकुलेशन था, पूरा जो कंप्यूटेशन था वो कर लिया। अभी एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्रोसेस क्यू में एक भी प्रोसेस नहीं होगी। अगर कोई प्रोसेस होती तो ऑब्वियसली हमारा एग्जीक्यूशन भी अभी तक चल रहा होता, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया काम, यहाँ पे काम खत्म हो गया। अभी हम लोग ये 3 चीजें भी बची है, वो हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस 1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो आपको देखना है। सो यू हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देखना है। तो प्रोसेस 1 आपका कंप्लीट हुआ 7 पे, ओके? जब आपका प्रोसेस 1 था, इस पेन को भी पता नहीं क्या हो गया, ओके? सो ये 7 पे खत्म हुआ, ठीक है? उसके बाद प्रोसेस 2 जो है वो कब खत्म हुआ, 10 पे, एज यू कैन सी वो 10 पे खत्म हुआ, ठीक है? प्रोसेस नंबर 3 जो है वो 6 पे खत्म हुआ, और प्रोसेस नंबर 4 जो है आपका वो 8 पे खत्म हुआ, ठीक है? दिस इज डन, दिस मच इज डन। अभी टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, completion time minus arrival time, तो completion time minus arrival time is nothing but 7 minus 0 is 7, ठीक है? उसके बाद 10 minus 1 is nothing but 9, और उसके बाद 6 minus 2 is nothing but 4, and therefore 8 minus 3 is nothing but 5, ठीक है? तो ये तो numbers हो गए, एक मिनट आ, I'll take some another pen, इस pen की लग गई भाई, okay? तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्यों लिया मैंने, ओके? अभी आते हैं वेटिंग टाइम के ऊपर। वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, दैट इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 7 माइनस 3 इट्स इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 इट्स नथिंग बट 5, 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2, 5 माइनस 1 इज नथिंग बट 4। तो ये हमारे हो गए वेटिंग टाइम जो आपको दिख रहा है, ये टर्न अराउंड टाइम फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम राउंड रॉबिन, जब हमने क्यू इज इक्वल टू 2 लिया था। हम लोग क्यू कुछ भी ले सकते हैं, क्वांटम टाइम कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आपने क्वांटम टाइम ज्यादा लिया, मतलब इफ यू आर टेकिंग मोर क्वांटम टाइम, तो आपके जो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं, मतलब एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरा प्रोसेस, ये जो जंपिंग ऑफ प्रोसेसेस है ये कम हो जाएगा अगर आपने क्वांटम टाइम ज्यादा लिया। मतलब अगर आपने क्वांटम टाइम 4 लिया, 5 लिया, तो आपके जो जंप्स है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस ये आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वांटम टाइम बहुत ही कम ले लिया, फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपने क्वांटम टाइम 1 ले लिया, तो जंप्स बहुत ज्यादा होंगे, जंप्स बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा होगी बिटवीन वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, यही सिर्फ इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए आपको उस क्वांटम टाइम को बहुत ही बारीकी से समझ के उसको यहाँ पे आपने कंसिडर करना है। इस तरीके से आपने कंसिडर करना है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, जो थ्रूपुट है वो बना रहे, वो एफिशिएंटली बना रहे। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको राउंड रॉबिन जो टेक्निक है, शेड्यूलिंग टेक्निक, वो समझ में आ गया होगा। क्वांटम टाइम कैसे हमने अप्लाई किया फॉर दिस एग्जांपल वो कैसे अप्लाई किया वो समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मेरी तरफ से आपकी 1% की भी अगर मदद हो गई होगी, तो दोस्तों उस 1% या फिर उस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।